हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज मना एंड IBPS RRBPO रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल हु हैव क्लियर। एंड कट ऑफ का अभी आई डोंट नो कितनी गई होगी, क्या गई होगी, जस्ट बिकॉज बहुत से अटेम्प्ट में 62, 63 पता नहीं हार्ड शिफ्ट में जो बोल रहे हैं उनका भी बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है। एंड अगर मैं अपने रिजल्ट की बात करती हूँ तो नॉट क्लियर, थैंक यू लिखा हुआ आया है। एंड फ्रॉम लास्ट ईयर ऐसा था कि ये तो हो ही जाता था, इस बार नहीं हुआ है। आई डोंट नो हाउ आई हैव टू रिएक्ट जस्ट बिकॉज मुझे पता था कहीं ना कहीं एक अंदर से फील था, तो इतनी एक्सपेक्टेशंस थी नहीं इससे। बस ऐसा था कि बहुत प्रिपेयर किया था इसको पहले से ही, मेंस का भी मैंने लगाने शुरू कर दिए थे, कंप्यूटर भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, यही है। अब अगले पेपर पर तो इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने दे सकते, 2 दिन बाद फिर IBPS कलर का पेपर है। और अगर एक चीज़ की मैं बात करती हूँ तो अंदर से कहीं ना कहीं, क्योंकि इंटरनली मुझे पता है मेरी मिस्टेक्स, मुझे नहीं पता कहाँ मेरी कमी रही होगी, क्योंकि मेरी कमी की वजह से ऐसा होता ना कि मेरी कमी की वजह से या मेरी गलतियों की वजह से मैं आउट हुई हूँ इस पेपर से, ऐसा नहीं है। टेक्निकल इश्यूज हुए थे एंड मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। तो रोना धोना इस बार नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि उस दिन आया था बहुत, और उसी दिन वो रोना शायद इसी बात का आ गया था कि ये समझ में आ गया था, क्योंकि इतने टाइम से पेपर दे रही हूँ, मुझे आइडिया है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसी दिन रो ली थी ना, तो उसी दिन समझ में आ गया था कि तुम्हारा गेम हाथ से गई। सो शायद वो दुख, अब वो जो ग्रीफ है वो उसी दिन ख़त्म हो गया मेरा, उसके बाद वो रहा ही नहीं। एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, इज जस्ट लाइक IBPS PO SBA PO, उनके उन पर अब उम्मीद ज़्यादा है। एंड अगर कहीं ना कहीं मेरी भी मिस्टेक रही होगी तो आई विल प्रिपेयर माई बेस्ट, ठीक है। मैं अपना पहले अगर 110% दे रही थी, मैं 150% दूंगी, ओके। बस ये थोड़ा सा भगवान साथ दे, ये जो इश्यूज हुए थे ये मैं, आई जस्ट वॉन्ट कि आगे पेपर्स में मेरे साथ नहीं हो। एंड लेट्स सी क्या रहता है, इट्स ओके, होना नहीं होना चलता रहता है। अब मुझे तो इतना समझ में आ गया है कि यार जिंदगी यहीं थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, और बहुत कुछ है लाइफ में। थोड़ा सा दुख है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंदर की हो जाता, काश हो जाता, इट्स ओके। कुछ ऐसा खास बड़ा नहीं है। एंड बाकी मार्क्स देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। 59 आई अटेम्प्टेड, और एंड प्लीज़ जो जिनका नहीं हुआ ना, डोंट बी सो सैड, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा बहुत सैड होगे, दुखी भी होगे, रोओगे भी सही एक बार के लिए, बुक्स को ऐसे साइड में भी करोगे, चलता है। एंड प्रिपेयर वेल फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। और कहीं ना कहीं तो मेहनत काम ही आएगी, बेकार नहीं जाएगी। होप फॉर द बेस्ट, मेरा तो एनीथिंग, इट्स ओके। सो थैंक यू गाइस, सारा टेक केयर। एंड जिनका हो चुका है वेल प्रिपेयर फॉर द मेंस, अपॉर्चुनिटी है मिस मत करना, मेंस पर लग जाओ, मेंस के ही पीछे पड़ जाओ, ओके। और कंप्यूटर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, एक एक नंबर बहुत मायने रखता है इसके अंदर फाइनल सिलेक्शन में, और करंट अफेयर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। और उसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है, मॉक लगा कर जाना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें। और टाइम मैनेजमेंट के लिए कहूँगी, दूसरों पर भरोसा करने की बजाय खुद मॉक लगा के खुद की टाइम मैनेजमेंट बनाओ। ये दूसरों का भरोसा करके, अच्छा इसने ऐसे बना दिया, कोई सर ने किसी कोई टाइम टेबल बता दिया, वही जाके अपन टाइम अप्लाई कर रहे हैं, नहीं होता ऐसा। हर एक पर्सन की अलग स्ट्रैटेजी रहती है, खुद की बनाओ, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।